हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एरेडा स्टॉक के बारे में। एंड एरेडा में अभी के टाइम हमें दोस्तों क्या देखने को मिल रही है, 6% की गिरावट। एंड ये जो गिरावट है, इस गिरावट में क्या ये स्टॉक कल की जो रिपोर्ट आई थी उसकी वजह से गिरा है, या फिर यहाँ पर नॉर्मली प्रॉफिट बुकिंग की वजह से गिरा है, तो वो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि ये जो स्टॉक है ना दोस्तों, गिरने से पहले ही मैंने आपको अपडेट दे दिया था कि इस स्टॉक में अभी के टाइम जितना जंप आना था वो आ चुका है। हाँ, भले ही लॉन्ग टर्म में दोस्तों ये जो स्टॉक है भले ही 400 जाएगा, 500 जाएगा, ये हो सकता है, बट अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म है, 2-3 दिन, 5 दिन, 10 दिन का है, तो अपने प्रॉफिट को घर लेके जाइए ना। ये चीज़ मैंने आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट दी थी, आप चाहे तो कल की पोस्ट भी देख लेना। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप डेट चेक कर सकते हो, 15 जुलाई टेलीग्राम पे अपडेट भी दिया था, जहाँ पे सुबह के टाइम पोस्ट भी डाली थी, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एरेडा जो है वो रिजल्ट्स की वजह से 5% गैप अप हो रहा है, 300 रुपये के प्राइस पे ओपन हो रहा है। तो ऐसे में करना क्या है कि नॉर्मली अपने प्रॉफिट को बुक करना है, जैसा कि यहाँ पे मैंने आपके आपका डेट दिया था कि 50% प्रॉफिट को बुक करना है। उसके बाद मैंने ये भी बोला कि मैक्सिमम अगर शॉर्ट टर्म है तो अपना सारा कैपिटल यहाँ पे बुक कर सकते हैं। एंड वैसा ही हमें होते हुए देखने को मिला। स्टॉक में क्या हुआ, सेलिंग हमें देखने को मिली ऑलमोस्ट 190 रुपीज़ के लेवल पे। दोस्तों अगर हमने बाई किया है, स्टॉक आपका पहुंच चुका है 300 रुपये के प्राइस पे, और फिर अगर फिर भी हम ज़्यादा ग्रेड करेंगे तो ये एक बहुत ही नेगेटिव चीज़ है अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो ऐसे में लॉन्ग टर्म है तो दोस्तों कोई दिक्कत होती नहीं है, बट शॉर्ट टर्म अगर है, अपना व्यू ही शॉर्ट टर्म है, तो नॉर्मली हमें समय पे एग्जिट एंड समय पे एंट्री लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप चाहे तो टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पे लेटेस्ट अपडेट दिए जाते हैं आपको। अभी के टाइम देखा जाए तो 6% तक की गिरावट हो चुकी है, लास्ट 5 डेज में 13% तक का जंप भी देखने को मिला, लास्ट 1 मंथ में 52% तक के कंपनी ने हमें रिटर्न भी बना के दिए हैं, 6 मंथ में 7% तक के, एंड 1 ईयर के अंदर अंदर दोस्तों 350% तक का स्टॉक हमें जंप करते हुए नज़र आया है। तो सबसे पहले आज के अगर इम्पॉर्टेंट आंकड़े देखे जाए तो स्टॉक आपका ओपन होता है 288 रुपये 70 पैसे, 288 रुपये 70 पैसे तक का हाई लगाता है, एंड उसी के साथ साथ दोस्तों 270 रुपये तक का लो लगाता है। वही अगर मैं वॉल्यूम्स की बात करूं तो 7 करोड़ 25 लाख शेयरों का वॉल्यूम होता है, एंड वैल्यू ऑफ ट्रेड 2000 करोड़ रुपये के शेयर ट्रेड होते हैं। इसमें डिलीवरी की बात की जाए तो 36% क्वांटिटी हमें डिलीवरी देखने को मिलती है। ओवरऑल अगर आंकड़े देखे जाए तो डिलीवरी अच्छी उठ रही है, मतलब गिरावट में कुछ क्वांटिटी ऐड की जा रही है बड़े प्लेयर्स की तरफ से। तो दोस्तों यहाँ पर कल हमें एक रिपोर्ट देखने को मिली थी फिलिप कैपिटल्स की, उसमें भी हमने ये देखा कि फिलिप कैपिटल का ये मानना था कि स्टॉक जो है 130 एंड 110 रुपीज़ तक आ सकता है, क्योंकि फ्यूचर में कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ेगा बट कंपनी के मार्जिन्स डाउन हो जाएंगे, तो उस हिसाब से यहाँ पर कंपनी की जो रियल वैल्यू है पी रेशियो के हिसाब से वो अभी के टाइम 110 एंड 130 रुपीज़ के लेवल्स पे होनी चाहिए। तो दूसरी बात ये भी है कि अगर मैं बात करूँ दोस्तों अपने जो इंडियन ब्रोकर्स हैं वगैरह, उनकी तरफ से अगर देखा जाए तो उनका क्या मानना है, एक्सपर्ट्स का क्या मानना है, सुमित बगाड़िया जो कि दोस्तों यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चॉइस ब्रोकिंग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, उनका ये कहना है कि एरेडा जो है वो टारगेट उन्होंने दिया है, एरेडा का 300 रुपीज़ एंड 330 रुपीज़ तक का टारगेट दिया है। ये जो गिरावट हुई है ना, इस गिरावट के बाद इनका न्यू टारगेट आया है 300 रुपीज़ एंड 330 रुपीज़। अब ये तो टारगेट तो है, बट इम्पॉर्टेंट ये भी है कि इन्होंने स्टॉप लॉस भी दिया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, सुमित बगाड़िया जी ने यहाँ पर जो कि चॉइस ब्रोकिंग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, टोल्ड liveint.com एरेडा शेयर हैव हेल्ड अबव देयर सपोर्ट लेवल 270 डिस्पाइट द सेल ऑफ। मतलब कि यहाँ पर ये है, अगर कोई भी एरेडा में अभी के टाइम पोजीशन बना के बैठा है तो ऐसे में नॉर्मली 300-330 रुपीज़ तक तो स्टॉक जा सकता है, बट उसको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलना होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सिर्फ स्टॉप लॉस लिखा होता तो नॉर्मली हम मान के चलते कि नॉर्मली ये तो स्टॉप लॉस है, बट यहाँ पे इनका ये भी कहना है कि 270 रुपये के ऊपर जब तक स्टॉक है तब तक कोई बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, बट 270 रुपये का सबसे बड़ा एक सपोर्ट है, अगर ये टूटा तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। जैसा कि यहाँ पे देख क्या देखने को मिल रहा है कि अगर स्टॉक 270 से ऊपर है, मेंटेन करता है तब तो ठीक है, बट अगर स्टॉक 270 के नीचे निकलता है तो आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलना है 270 रुपये का।
तो सुमित बगाड़िया जी ने यहाँ पर जो है कि 300 330 तक के टारगेट्स तो दिए हैं, बट 270 का एक स्टॉप लॉस भी रखने को बोला है, और वो भी स्ट्रिक्ट। अभी के टाइम इरेडा का जो मार्केट कैप है 73,000 करोड़ का हमें दिख रहा है, पी रेशियो है 54 का, एंड उसी के साथ साथ आरओसी आरओई नॉर्मली कंपनी की ठीक है। कल जब मैंने वीडियो में बताया था कि इरेडा गिरेगा तो उस बेसिस पे बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि भाई आप तो डरा रहे हो, ये चीज़ें हैं, आप तो गलत बोल रहे हो। पर देखिए, सारी चीज़ें आपको सहन करनी होती है। ऐसा नहीं है कि किसी भी स्टॉक में डायरेक्टली सिर्फ अपर अपर टारगेट ही देखे। तो ओवरऑल यहाँ पे मान लो कि 300 रुपये, कल जब जहाँ पे 300 पे मैंने एग्जिट का व्यू बताया था, किसी ने मान लो अगर माना, तो वो आज 30 पॉइंट ये जो गिरावट हुई है ना, वो गिरावट उसके लिए बेनिफिट की होती। अभी के टाइम कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है, अच्छा खासा रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, हर क्वार्टर रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। अगर आप देखेंगे तो 870 करोड़, 1,000 करोड़, 1,100 करोड़, 1,170, 1,200 करोड़, 1,300 करोड़, 1,500 करोड़, कंपनी का बिजनेस अच्छा खासा जंप कर रहा है। रेवेन्यू ऑल टाइम हाई पे है, कंपनी का प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे है, कंपनी में ओएफएस का कोई डर है नहीं, एफआईज वालों ने यहाँ पे इंक्रीज़ किया है, डीआई वालों ने कुछ डिक्रीज़ किया है। कंपनी फाइनेंशियली अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बेटर है। बट मैं ये नहीं बोल रहा, मैं फिलिप कैपिटल को सपोर्ट नहीं कर रहा कि आप फिलिप कैपिटल को ही देखो जो फिलिप कैपिटल ने बोला है वैसे, नहीं। यहाँ पे जो चीज़ें, ये जो आज गिरावट हुई है ना, ये फिलिप कैपिटल की वजह से नहीं हुई है। फिलिप कैपिटल की वजह से अगर गिरावट होती तो स्टॉक आज क्रैश होता, बट ये गिरावट फिलिप कैपिटल्स की वजह से नहीं हुई है। ये जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉक जब भी एक बड़ी तेज़ी दिखाता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो आज जो ये गिरावट है ये प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ना कि जो कल रिपोर्ट आई थी उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। अगर रिपोर्ट का इम्पैक्ट पड़ता तो फिर आपका एयरकॉन वगैरह क्यों गिरा, आपका आरबीएनएल क्यों गिरा, आईआरएफसी क्यों गिरा, क्योंकि उसमें हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, उसमें तो कोई रिपोर्ट नहीं है। तो यहाँ पे आज जितने भी पीएसयू थे उन सब में यहाँ पे नॉर्मली मैक्सिमम पीएसयू में हमें प्रॉफिट बुकिंग नज़र आई है। तो आज ये जो गिरावट हुई है वो कल की फिलिप कैपिटल की रिपोर्ट की वजह से नहीं हुई है, ये ओनली फॉर प्रॉफिट बुकिंग थी, जो कि मैंने कल ही बोल दिया था। बाकी देखिए, आरएसआई भी अभी हाई है, लास्ट टाइम आरएसआई हाई गया, शेयर गिरा था, यहाँ पे आरएसआई हाई गया है, शेयर में करेक्शन आ सकता है, करेक्शन के साथ कंसोलिडेशन हो सकता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इरेडा में, इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 270 का, 270 रुपये के लेवल के नीचे अगर ये स्टॉक आता है तो 250 का नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा, और उसके बाद 230 का मैक्सिमम इसमें अगर गिरावट होती है तो स्टॉक 230 रुपये के प्राइस तक आ सकता है। ऐसे में यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट बस यही है कि इरेडा में ओनली फॉर अपना व्यू होना चाहिए लॉन्ग टर्म का। शॉर्ट टर्म है तो वो तो अपन 300 पे निकल चुके हैं, शॉर्ट टर्म हम जितनी भी पोजीशंस थी वो सारी 300 पे मैंने निकाल दिया है। एंड अभी के टाइम यहाँ पे फ्रेश एंट्री का क्या नज़रिया रहना चाहिए, पोजीशंस जो थी वो तो हमने ऑलमोस्ट एग्जिट कर ली, अब यहाँ पे एग्जिट का तो अपना कोई है ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी हम एग्जिट कर चुके। अब फ्रेश एंट्री यहाँ पे क्या व्यू अपना रहना चाहिए उसके बारे में अगर मैं बताऊँ, मैंने जो पोजीशंस थी शॉर्ट टर्म के लिए वो तो मैंने एग्जिट करके निकल गया, लॉन्ग टर्म में मैंने अपना मेन कैपिटल निकाल लिया। अब अगर मुझे शॉर्ट टर्म में स्विंग ट्रेड के लिए फ्रेश एंट्री लेनी है तो मैं क्या करूँगा, वो अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स मेरे लिए रहेंगे। पहला लेवल है 270 रुपये मान के चलते हैं, दूसरा लेवल है 250 रुपये, तीसरा लेवल है 230 रुपये। अब मान के चलो कि मुझे 100 शेयर बाई करने हैं तो मैं क्या करूँगा, 100 शेयर बाई करने हैं तो पहले 25 शेयर में 270 पे बाई करूंगा, दूसरे 25 शेयर में 250 पे बाई करूंगा, तीसरे 25 शेयर में 230 पे बाई करूंगा, चौथे 25 शेयर में 213 पे बाई करूंगा। अगर 213 पे आया तो ठीक है, वरना मैं 75 स्टॉक बाई करूंगा। अगर मान लो 230 पे अगर नहीं आया तो मेरे पास ओनली फॉर क्वांटिटी कितनी होगी, 50 क्वांटिटी होगी। अगर मान लो 250 पे भी नहीं आया तो मेरे पास ओनली फॉर कितनी क्वांटिटी होगी, 25 क्वांटिटी होगी। 270 से ही रिवर्स हो गया तो मुझे 25 क्वांटिटी पे प्रॉफिट होता रहेगा, 250 आके रिवर्स हुआ तो मुझे 50 क्वांटिटी पे प्रॉफिट होता रहेगा। नॉर्मली चाहे मुझे कम प्रॉफिट हो बट मैं अपने सारा फंड एक साथ कभी यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मैं एक ट्रेडर हूँ ना कि गैम्बलर हूँ। बस ये सिंपल सी मेरी स्ट्रेटजी है, ये चार्ट लेवल मैं लेके चलूँगा, इन चार लेवल्स पे जब जब स्टॉक आया उस हिसाब से मैं मनी मैनेजमेंट के हिसाब से एवरेज करूँगा या फिर नई क्वांटिटी फ्रेश एंट्री ऐड करूँगा। ये मेरा सिंपल स्ट्रेटजी है। थैंक यू दोस्तों।